आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई शब्द को आपने कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर, आम बातचीत में या टीवी पर भी सुना होगा। यह कोई नई बात नहीं। खैर, वर्षों से एआई उपयोग में है और कम लोग जानते हैं। एआई को अक्सर जीने, काम करने और बातचीत के तरीके को बदलने की शक्ति समझा जाता है। पर एआई एक साधन है जो दशकों से विकसित हो रहा है और जिसके विकास में विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत व्यक्तियों ने योगदान दिया है। और एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी वाले लोगों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एआई पिछले डेटा और त्रुटियों से कंप्यूटर की सीखने की क्षमता है, जिससे यह भविष्य के लिए भविष्यवाणियां कर सकता है। इसमें कई गतिविधियां शामिल हैं, जैसे समस्या समाधान, स्पीच रिकॉग्निशन, सीखना और निर्णय लेना। तो एआई बुद्धिमान कैसे है? एआई सॉफ्टवेयर या मशीनों के द्वारा प्रदर्शित बुद्धिमत्ता है, जिसमें मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है। इन कार्यों में पैटर्न पहचानना, समस्याओं को हल करना और निर्णय लेना शामिल है। जैसे कि जब आप सीरी से बात करते हैं, तो यह उस तरह बुद्धि का प्रदर्शन नहीं करता जैसे एक इंसान करेगा। असल में इसकी प्रोग्रामिंग मनुष्यों ने की है ताकि यह कुछ संकेतों का जवाब दे सके और कुछ कार्य कर सके, जैसे मौसम अपडेट या समाचार बताना। तो क्या यह बुद्धिमान है या केवल संकेतों का जवाब दे सकता है? माना रोबोट शतरंज खेल रहा है, वह रणनीतिक चाल चलता है, तो क्या यह इंसान जैसा बुद्धिमान है? जवाब है नहीं। रोबोट प्रोग्राम की गई एल्गोरिदम और रणनीतियों का पालन करता है और यह मशीन लर्निंग से पिछले खेलों से सीखता है और समय के साथ प्रदर्शन में सुधार करता है। क्या रोबोट की चालें शतरंज में उसकी बुद्धिमत्ता का परिचय देती है, या वह केवल एक प्रोग्रामिंग प्रक्रिया है? ये कोई नए सवाल नहीं। 1950 में प्रसिद्ध गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग ने पूछा, हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि कोई मशीन बुद्धिमान है या नहीं? उन्होंने एक प्रसिद्ध ट्यूरिंग टेस्ट बनाया, जिसमें एक मानव प्रश्नकर्ता एक मानव उत्तरदाता या कंप्यूटर के साथ बातचीत करेगा। प्रश्नकर्ता को बताना होगा कि उत्तर कंप्यूटर या इंसान ने दिया है। इसका उद्देश्य यह नहीं कि उत्तर सही है या नहीं। जब दो और दो कितने होते हैं जैसे प्रश्न पूछे गए, तो विशेष रूप से यह मूल्यांकन करने की कोशिश की गई कि उत्तरदाता एक मशीन है या फिर एक मानव। तब जब ट्यूरिंग ने यह परीक्षण बनाया, तो वह मशीनों और मनुष्यों के जवाबों के बीच अंतर को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, जहां मशीनें मानव जैसी कार्यक्षमताओं और बारीकियों के साथ जवाब देने में सक्षम हों। और यह विश्लेषण 1950 में ट्यूरिंग तक ही सीमित नहीं रहा। एआई ने पिछले कुछ वर्षों में काफी प्रगति की है और इसकी दैनिक जीवन में मौजूदगी बढ़ी है। उदाहरण के लिए इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप्स को ही ले, एआई के एक सबसेट मशीन लर्निंग से यह हाल की गतिविधि के आधार पर दिखाई जाने वाली सामग्री तय करता है। स्ट्रीमिंग ऐप्स पर कोई शो देखने पर भी ऐसी ही प्रक्रिया अपनाई जाती है। यद्यपि एआई हर तरफ है, फिर भी इसे गलत दिखाया जा सकता है, जो हॉलीवुड फिल्मों में आम बात है। कुछ फिल्मों में दिखाते हैं कि एआई में भावनाएं हैं और इंसानों से बेहतर है। आम तौर पर ऐसी कहानियों का उद्देश्य विचार देना है, ना कि एआई को सटीक ढंग से दिखाना। ऐसे चित्रण केवल कलात्मक अभिव्यक्तियां हैं और वास्तव में एआई की क्षमताओं को नहीं दिखाते। इसलिए भले ही एआई मानव बुद्धि की कुछ नकल कर सकता है, पर यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह मानव बुद्धि से बहुत अलग काम करता है। एआई में चेतना, भावनाएं या संदर्भ को समझने की क्षमता नहीं है, जैसे मनुष्यों में होती है। यह मनुष्यों द्वारा बनाया गया और नियंत्रित है, और इसकी क्षमताएं इसके प्रोग्राम तक ही सीमित है।
इसलिए एआई को समझना जरूरी है क्योंकि यह कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर को समझाता है।